नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नितेश तिवारी। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। राजस्थान में इन दिनों एक दौर चला है पाठ्यक्रम बदलाव का, पाठ्यक्रम बदलने का। खैर, ये तो जब पिछली सरकार थी वसुंधरा राजे की तब भी होता था, और अब अशोक गहलोत हैं तब भी हो रहा है। जब भी दोनों सरकारें आती हैं अपने अपने हिसाब से पाठ्यक्रम में चेंज करती हैं, बदलाव करती हैं। अभी कुछ दिन पहले महाराणा प्रताप और अकबर को लेकर भी कुछ विवाद हुआ था, कुछ चैप्टर हटाए गए, कुछ जोड़े गए, ये सब चीज़ें थी। अभी वीर सावरकर जो कि आरएसएस से जुड़े थे, वीर सावरकर के बारे में कांग्रेस ने कुछ लाइनें सिलेबस में अलग से जुड़वाई कि वो अंग्रेज़ों की गुलामी करते थे वगैरह वगैरह, उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए। कांग्रेस का कहना था कि वीर सावरकर का जो पाठ है इसमें सावरकर तो ठीक है लेकिन वीर नहीं ठीक है। सावरकर पे उन्होंने कायर होने का आरोप लगाया, वीर शब्द हटा दिया उनके नाम के आगे से। और अभी दो दिन तीन दिन पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भी चैप्टर जो है इन्होंने उसमें भी बदलाव कर दिया कांग्रेस ने। तो आज खुद जो है शिक्षा मंत्री, प्रदेश के राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा दो तीन दिन से बयानबाजी कर रहे थे सिलेबस को लेके। आज उन्होंने साफ कर दिया, हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं शरद जी उनसे बात करते हुए ये साफ किया है उन्होंने कि वो आरएसएस को हावी नहीं होने देंगे राजस्थान के पाठ्यक्रम पर। राजस्थान के पाठ्यक्रम में आरएसएस के जितने भी नेता थे, जितनी भी हस्तियाँ थी, उनको वो उसमें से हटा के रहेंगे। तो खुलेआम उन्होंने अब यह कह दिया है। तो अब ये लड़ाई देखा जा रहा है कि कांग्रेस और आरएसएस की, यानी कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये सीधे सीधे एक उन्होंने जंग छेड़ दी कि आज हमारी सरकार है तो हम बदल रहे हैं, क्योंकि पिछली बार आप थे तो आपने बदला था। तो एक तरीके से ये बदले की जो भावना से जो राजनीति हो रही है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। इसमें पिस रहा है तो वो छात्र जो समझ नहीं पा रहा है कि मैं पढ़ूँ तो क्या पढ़ूँ। अब उसमें जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है उसको यही नहीं पता कि उसको पढ़ना क्या है और एग्ज़ाम में लिखना क्या है। तो ये बड़ी असमंजस वाली स्थिति है। तो ये ठीक नहीं है प्रदेश की राजनीति के लिए। इस तरह के मुद्दों पर राजनीति होनी नहीं चाहिए। होना तो ये चाहिए कि शिक्षाविदों को बैठकर इस पर एक कमेटी बनानी चाहिए और इतिहास में जो वाकई इतिहास में है उन्हीं तथ्यों को शामिल करना चाहिए, जिससे कि जो सच्चाई है उसके बारे में हमारे छात्र पढ़ सकें और अपना ज्ञानवर्धन कर सकें। तो ये थे राजस्थान के कुछ चटपटे सियासी किस्से। अगर आप इन खबरों से रूबरू होना चाहते हैं, अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।